हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम इन फ्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वन। तो आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो हमें मालूम होना जरूरी है, और सर्किट जो है वो कंप्लीट सर्किट कौन सा है, इनकम्प्लीट सर्किट कौन सा है, ओपन सर्किट किसे कहते हैं, क्लोज सर्किट किसे कहते हैं, इस सब के बारे में हमें इस वीडियो में जानना है। और सर्किट में जो जो भी कंपोनेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो उस कंपोनेंट्स को कैसे दर्शाया जाता है, उनके सिंबल्स क्या क्या है और उनका यूज क्या क्या होता है सर्किट के अंदर, इन सब के बारे में इस वीडियो में हमें पढ़ना है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो बना है, ये ऐसे इस तरह से सर्किट है। तो सर्किट जो है कोई भी सर्किट है तो सर्किट में तीन चीजें जो है वो बहुत जरूरी है, जिसको मैंने लिखा है। पहला जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस, तो सर्किट के अंदर जो एनर्जी को सप्लाई करता है वो डिवाइस होना चाहिए। तो वो डिवाइस क्या होता है, इन आवर सर्किट देयर इज अ सेल और बैटरी, सेल बैटरी और जो हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको सप्लाई करने वाला डिवाइस क्या है, जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिलहाल तो हमें जनरेटर के बारे में नहीं पढ़ना है सर्किट में, तो सेल और बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। और दूसरा जो है एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस, अब एनर्जी सप्लाई हो रहे हैं तो उसको जो है यूज करने वाले डिवाइस कौन कौन से, वो डिवाइसेस सर्किट के अंदर होते हैं तो उसे कहते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस। तो रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस ये शब्द आएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। और हमारे घर के अंदर जो जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिसके अंदर है इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब ये एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, टीवी है, रेडियो है, ये सब जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो जो भी इक्विपमेंट काम करते हैं वो सभी इक्विपमेंट क्या है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस होते हैं। और तीसरा है कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर जो है, कनेक्टिंग वायर में से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एंड दिस कनेक्टिंग वायर कनेक्ट्स द एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस विद द एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस। तो एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस से एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये कंटिन्यूअस पाथ होता है, एक मार्ग होता है जिससे कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और कंडक्टर जो है वो सभी डिवाइसेस के एंड को कनेक्ट करता है, दो एंड्स को कनेक्ट करता है और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज द कंटिन्यूअस पाथ, द कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टिंग वायर, इट इज द कंटिन्यूअस पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड अदर रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसका पाथ जो है, वो पाथ जो है कहां से गुजरता है, इस डिवाइसेस से गुजरता है और इस डिवाइसेस को कंडक्टिंग वायर क्या करता है, उसके दोनों एंड्स को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सेल इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड को इलेक्ट्रिक वायर ने कनेक्ट किया है, तो कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसका पाथ जो है वो जो दर्शाया जाता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिपिक्टेड बाय द फिगर। अब जहां जैसे हमने यहां पे फिगर बनाई है, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट की फिगर, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को फिगर से दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो कोई भी सर्किट आपने सर्किट देखा होगा, कंप्यूटर अगर कहां पे रिपेयरिंग सेंटर में आप गए होंगे तो वहां पे कंप्यूटर जब खोलते हैं तो कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह के सर्किट होते हैं, टीवी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, सब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में अलग अलग सर्किट होते हैं। तो कोई भी सर्किट जो है उसको जब बनाना है तो उसके पहले उसकी डायग्राम जो है ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे अब जब हम हमारा घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले इंजीनियर जो है उसका क्या बनाता है,
नक्शा बनाते हैं, और नक्शा जो जैसा नक्शा है उस नक्शे के हिसाब से हम हमारा घर जो है उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो उसी तरह बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको बनाना है तो उसके पहले उसके डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम में क्या होता है, उसकी फिगर में अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स है उसको कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो वो कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करना है तो वो डायग्राम में दर्शाए जाते हैं, और उसी तरह से फिर इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो एक्चुअल सर्किट जो है वो बनाया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो है उसे किसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इट इज द फिगर व्हिच शोस हाउ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर टू बी कनेक्टेड इन अ सर्किट बाय यूजिंग स्पेशियल सिंबल्स और देयर कंपोनेंट्स। तो इस फिगर को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। आगे समझ में फिर से आपको बताता हूं, द फिगर शोस हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर टू बी कनेक्टेड इन अ सर्किट बाय यूजिंग स्पेशियल सिंबल और ईच कंपोनेंट एंड दिस फिगर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आपको समझ में आएगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में क्या होता है, जो अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसको कैसे कनेक्ट करना है वो फिगर के थ्रू दर्शाया जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ किए। अब सर्किट डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल सिंबल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल इस तरह से दर्शाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो सर्किट डायग्राम में क्या दर्शाया गया, इलेक्ट्रिक सेल का जो पॉजिटिव है वो किसको कनेक्ट है, एमिटर को। तो एमिटर के पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव जो है वो कनेक्ट करना है। जब एक्चुअल सर्किट बनाएंगे तो इस तरह से सेल का पॉजिटिव एमिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, और ये है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जो होगा एमिटर के निगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर का निगेटिव जो है वो फिर सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, और बीच में है प्लग की। तो इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट जो है वो सर्किट में कहां कहां पे रखना है और उनको कैसे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव किसका पॉजिटिव किसके पॉजिटिव के साथ, किसका नेगेटिव किसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम से इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके उस फिगर का यूज करके हम एक्चुअल सर्किट जो है वो बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एमिटर जो है ये डिवाइस है, इट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एमिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, सर्किट में से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इस एमिटर को कैसे अटैच किया है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज मतलब क्या है, आप देखिए एक जो है ये हार है, हमारा फूलों का हार है, समझो मैंने ऐसा हार बनाया है, तो ऐसा हार होता है ना, तो यहाँ पे बड़ा फूल भी होता है तो फिर इस तरह से हार होता है, बराबर। तो इसमें जो बीड्स है, ये बीड्स जो है ये एक सीरीज में अटैच है, बराबर, ये अलग है, ये पैरेलल अटैच है, ये क्या है सीरीज में अटैच है। तो सीरीज में जो अटैच है वो एमिटर जो है सीरीज में अटैच है। यहाँ पे सेल एमिटर रेजिस्टर्स ये सब एक सीरीज है, एक माला है, इस माला के अंदर सीरीज में अटैच है। तो एमिटर को सीरीज में क्यों अटैच करते हैं, क्योंकि एमिटर जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ में लीजिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो पूछते हैं नीट एग्जाम में भी। तो एमिटर, व्हाई एमिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इज वेरी लो, एमिटर का रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या संबंध है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, मोर द रेजिस्टेंस लेस विल बी द करंट, लेस द रेजिस्टेंस मोर विल बी द करंट। अब एमिटर का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होता है, ज्यादा बहता है, और एमिटर को क्या मेजर करना है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है। तो इट कैन मेजर अ वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में से अगर छोटे से छोटा भी करंट बहता है उसकी वैल्यू जो है उसको एमिटर मेजर करता है, इसीलिए एमिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब दूसरा वोल्ट मीटर डीसी, तो वोल्ट मीटर को कैसे अटैच किया है, इट इज कनेक्टेड पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन अ सर्किट। आगे समझिए, अब यहाँ पे माला जो है, यहाँ पे सभी फूल जो है और सभी बीड जो है वो सीरीज में, लेकिन ये जो है इनको कैसे अटैच किया, ये सीरीज में है क्या, नहीं, दीज आर पैरेलल, ये कैसे अटैच है, पैरेलल अटैच है। तो दिस होल्ड मीटर को जो है वो सर्किट में ऐसे ही पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। अब पैरेलल
कनेक्ट करने का अर्थ क्या है कि वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई। अब रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट में क्या संबंध है पता करिए। हाई द रेजिस्टेंस लेस विल बी द करंट फ्लो थ्रू। अगर रेजिस्टेंस हाई तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? कम फ्लो होगा। अब वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का काम क्या है? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टर। तो दो एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है उसको मेजर करने का काम है वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगा तो इट कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ करेगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की करेक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं बता सकता। तो इसीलिए वोल्ट मीटर को क्या है, पैरेलल कनेक्ट किया है। तो पैरेलल कनेक्ट करने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट ये ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ये गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की करेक्ट वैल्यू जो है वो हमें दिखाता है। तो यहाँ पे जो है ये की ऐसे स्पीच भी आ सकता है। अब यहाँ पे जो है इसको अगर मैं ऐसा ड्रॉ बना देता हूं तो वो क्या होता है, स्विच जो है ऑन हो गया। तो प्लग की है तो स्विच के तीन अलग प्रकार होते हैं जिसको हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें की डालने के बाद सर्किट जो है उसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो आगे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने चार सर्किट बनाए हैं। तो ये चारों सर्किट जो है, चारों को चारों सर्किट फॉल्टी है, यानी कि इस सर्किट में हर एक सर्किट में क्या है, एक एक फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को आपको ढूंढना है। तो चलो मैं आपके साथ साथ मैं भी इसमें फॉल्ट को ढूंढता हूं। अब ये फॉल्ट को ढूंढने से पहले ये देखिए, ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये दो तरह से दर्शाए गए हैं। यहाँ पे ये जो बल्ब है ये है ऑन एंड दिस बल्ब इज ऑफ। तो इसका अर्थ है ये बल्ब ऑफ है, इसमें से लाइट बाहर नहीं निकल रही, और ये बल्ब जो है वो ऑन बल्ब है, इसमें से वायर बल्ब जो है उसमें से लाइट बाहर आता है। तो इसका अर्थ क्या है, सर्किट में करंट है, और इसका अर्थ क्या है, बल्ब अगर नहीं जल रहा है तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट नहीं। अब ये पहले सर्किट जो इसमें जो है बल्ब ग्लोइंग बताया है, तो बल्ब ऑन है, लेकिन यहाँ पे जो हमें फॉल्ट दिखाई दे रहा है, आगे समझ लो, हियर The two conducting wires are disconnected. Conducting wire यहाँ पे disconnected. अब conducting wire disconnected तो electric bulb कैसे flow होगा? क्योंकि इसमें से current ही नहीं flow होता। तो ये fault यहाँ पे है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें इसको अगर correct करना है, तो हमें इस conducting wire को जोड़ना पड़ेगा। अब क्या होगा? Electric current flows from positive to negative terminal of the battery. Electric current positive से negative आएगा। अब दूसरा circuit देखिए, इसमें electric current बल्ब ग्लो हो रहा है, बराबर। अब सर्किट को चेक करेंगे तो फॉल्ट मिल गया। यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे जो है वायर जो है वो कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी डिसकनेक्ट है। तो ये डिसकनेक्टेड वायर जो है इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो तब जाके ये सर्किट कनेक्ट होगा। आगे समझ, दिस इज द फॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या फॉल्ट है। यहाँ पे तो कहीं पे भी हमें वायर का कुछ नहीं देख रहा, सभी जगह पे वायर जो है बराबर कनेक्ट है, पॉजिटिव को कनेक्ट है, निगेटिव को कनेक्ट है, बल्ब को भी कनेक्ट है, लेकिन फॉल्ट कहाँ पे है? अब सभी कनेक्शन बराबर है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब को जलना चाहिए, तो बल्ब नहीं जल रहा, तो फॉल्ट यहाँ पे पता चला है, यहाँ पे फॉल्ट है। तो इसको कनेक्ट करना है, क्या करेंगे, इस बल्ब को हम ऐसे करेंगे, तो नाउ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब बल्ब ग्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक करंट दर्शाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या फॉल्ट है? अब जो है फॉल्ट जो है, सभी कनेक्शन बराबर दिख रहे, इलेक्ट्रिक बल्ब भी ग्लो हो रहा है इस सर्किट डायग्राम के अंदर, लेकिन फॉल्ट तो है, फॉल्ट कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे फॉल्ट है। यहाँ पे क्या है, पीस ऑफ रबर। अब दो कनेक्टिंग वायर के बीच में, कनेक्टिंग वायर के बीच में रबर का एक पीस जोड़ दिए, और रबर के पीस में से तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, तो यहाँ पे सर्किट डिसकनेक्ट हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे करेक्ट करना है, तो इस रबर पीस को निकालना है, और रबर पीस को निकालने के बाद अब जो है इस कनेक्टिंग वायर को कंटिन्यूस करना है, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड नाउ दिस सर्किट्स आर करेक्ट, एंड दिस सर्किट डायग्राम्स आर करेक्ट सर्किट डायग्राम। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और उसके नीचे जो है वो कुछ
फिगर्स जो है वो निकाली हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर द बल्ब इन फिगर बी सी डी बिलो नॉट लाइट ऑन। सभी फिगर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। तो इसमें क्या दिख रहा है, फिगर नंबर ए इसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, बी में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, सी में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, डी में ग्लो नहीं हो रहा और ई में ग्लो हो रहा है। इसका अर्थ क्या है, ए और ई ये है करेक्ट सर्किट, ये क्या है करेक्ट सर्किट है। अब इस तीनों में क्या है, तीनों में कुछ तो भी फॉल्ट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा और जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या फॉल्ट है, तो बी के अंदर जो है यहाँ पे वायर डिस्कनेक्ट है, सी में देखेंगे यहाँ पे वायर डिस्कनेक्ट है और डी में जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव है। तो दोनों वायर जो है पॉजिटिव और निगेटिव को कनेक्ट किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए एक वायर पॉजिटिव को और दोनों वायर इसको कनेक्ट किया है हायर पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो होती है। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है और जब हम वायर को पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से होके पॉजिटिव तक फ्लो करते हैं। अगर इसको हम कनेक्ट कर देंगे वायर को तब एक सर्किट करेक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव को कनेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, तो इस वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव से कनेक्ट करना पड़ता है। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसके बारे में पढ़ा, सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा। तो सर्किट डायग्राम में जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट को सिंबल, उनका सिंबल यूज करके उनको सर्किट में दर्शाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये सर्किट है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव जो है वो सेल है, यहाँ पे जो है बल्ब अटैच किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अटैच किया है। ये जो अलग अलग सिंबल्स है, ये अलग अलग सिंबल्स कौन कौन से कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं और उनके सिंबल्स क्या क्या है, तो ये जो है इसको आगे हमने देखना है, सिंबल्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर यूज। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से, उनका सिंबल क्या है और उनकी यूजेस क्या क्या होते हैं। तो पहला जो है वो इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो इसका सिंबल दर्शाने के लिए हमें ये दो जो है वर्टिकल लाइंस जो है, दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस जो है उसको निकालना है। उसमें एक लाइन जो है वो बड़ी निकालना है, एक छोटी निकालना है। जो लाइन बड़ी है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो छोटी लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल है। तो एक्चुअल पिक्चर जो है इलेक्ट्रिक सेल का आपने देखा होगा, यहाँ पे फिगर के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिक सेल जो है एक्चुअल पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक सेल का यूज क्या होता है, इट अप्लाइज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस या कंपोनेंट जो भी अटैच किए उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, उनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का काम इलेक्ट्रिक सेल करता है, यानी कि इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द सर्किट। तो दूसरा है बैटरी। तो बैटरी जो है वो सेल से ही बनती है। व्हेन टू और मोर सेल्स आर टू बी कनेक्टेड देन इट फॉर्म्स द बैटरी। तो एक अगर है तो वो सेल, अगर दो सेल को हम जोड़ देंगे तो बैटरी होगी। तो बैटरी में हम कितने भी सेल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम तीन सेल से बनी हुई बैटरी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि एक सेल हो गया तो दूसरा पॉजिटिव दूसरा निगेटिव ये दूसरा सेल हो गया, तीसरा पॉजिटिव तीसरा निगेटिव हो गया तीसरा सेल। तो जब हम सेल बैटरी की डायग्राम बनाते हैं तो वहां पे कितने सेल कनेक्ट है ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ पे जो है सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे तो कितने सेल कनेक्ट है, तीन बड़ी लाइन कनेक्ट मेजर करके 1 2 3। तो यहाँ पे कितने सेल है, तीन सेल है। तो वहां पे पॉजिटिव निगेटिव हर जगह पे हमें दर्शाना नहीं पड़ता। पहले गेम पे जो पहली बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव आएंगे और आखिरी जो है यहाँ पे राइट साइड में जो है वो छोटी लाइन आएगी उसको निगेटिव। तो आगे समय में बैटरी का यूज क्या है, सेल का यूज पता है, अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी क्या करेंगे, उसमें ज्यादा सेल कनेक्ट करते हैं टू अप्लाई द मोर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर तो वहां पे बैटरी का यूज किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मोर का हो रहा है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ज्यादा करंट चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाहिए। मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर विल बी द करंट। तो इसका अर्थ क्या है, जितने ज्यादा सेल होंगे तो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो होता है। तो तीसरा जो है वो है की। तो की तीन प्रकार की होती है। तो पहली जो है वो है टैप की, दूसरी है प्लग की
और तीसरा जो है वो है अपना स्विच जो होता है, जो बटन हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम देखते हैं उसको हम टिक टॉक बटन कहते हैं, उसको चालू और बंद कर सकते हैं। तो ये दो जो है जो हम देखेंगे, तो टैप की और प्लग की। तो टैप की जो है इसका सिंबल इस तरह से होता है, ये है टैप की, और प्लग की जो है इसका सिंबल इस तरह से होता है। अब की जो है इसके दो रूप से दर्शाया जाता है। तो सर्किट अगर ओपन, सर्किट को ओपन दर्शाना है तो इस तरह से टैप और प्लग की सर्किट के अंदर होगी। तो इसका अर्थ क्या, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक टैप की अटैच की है, सॉरी प्लग की अटैच की। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, दिस इज द ओपन सर्किट, ये क्या है ओपन सर्किट। अब अगर प्लग की इस तरह से है, टैप की इस तरह से सर्किट के अंदर है, तो उस सर्किट को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट क्यों कहते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसको कहते हैं ओपन की। इसकी को क्या है, ओपन की। तो ओपन की जो है वो कब होता है, ओपन की जो है इसका यूज करते हैं जब दोनों सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट को हमें स्टॉप करना है। इट स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय डिस्कनेक्टिंग द टू एंड्स ऑफ वायर। तो यहाँ पे जो दो वायर है उसके बीच का कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। अगर इस टैप की को मैं प्रेस करता हूं और इस ओपन की के अंदर एक डॉट मैंने निकाल दिया, डॉट निकाला मतलब क्या है, इस प्लग की के अंदर मैंने प्लग डाला है, तो ये हो गया है प्लग की क्लोज। तो जो है तो सर्किट भी क्या हो जाता है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज क्लोज सर्किट। तो इसका अर्थ क्या है कि मैंने बटन जो है उसको चालू किया है, स्विच को मैंने ऑन किया है। दीज आर द ऑन स्विचेस एंड दीज आर द ऑफ स्विचेस। अब आपको समझ में आएगा, तो स्विच जब ऑन होता है, जब स्विच को चालू करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो क्यों फ्लो होता है, क्योंकि इट कैन कनेक्ट द टू वायर्स, इट कनेक्ट द टू वायर्स, टू एंड्स जो है कनेक्ट, कंडक्टिंग वायर के दो एंड्स जो है उसको ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो आगे समझ में, टैप की और ओपन की, ये जो है टैप की जो है स्विच जो है वो ऑफ है और ऐसी पोजीशन पे स्विच ऑन है। तो जब स्विच ऑफ होता है तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से नहीं फ्लो होता, जब ऑन होता है तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो होता है तो उसे क्लोज सर्किट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता तो उसे ओपन सर्किट। अब ये है क्लोज सर्किट। अब यहाँ पे हम ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो जो है उसको दर्शा सकते हैं। तो चौथी फिगर जो होती है वो है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर जो है वो सिंपल है। तो कनेक्टिंग वायर का यूज हमें पता है, टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द सर्किट। सर्किट के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट के दो एंड्स को कनेक्ट करने के लिए कंडक्टिंग वायर जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो अब इसके बाद जो है बल्ब आता है। बल्ब के बारे में मैंने पहले ही बताया, लाइट, लाइट बल्ब, लाइट बल्ब। अब बल्ब भी दो प्रकार के हैं, यहां पे ये बल्ब और ये बल्ब। अगर की जो है वो क्लोज है, यानी कि स्विच जो है वो ऑफ है, तो यहां पे बल्ब जो है वो ऐसे दिखाई जाएगा। अगर स्विच ऑन है तो बल्ब लाइटेड दिखाया जाता है। बल्ब का यूज क्या है, टू कनेक्ट, टू टेस्ट वेदर द करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब डायग्राम के अंदर देखिए, और भी दो सिंबल्स है इसके अंदर, व्हाइट बल्ब है और एक येलो बल्ब है। तो येलो बल्ब का अर्थ क्या है कि बल्ब वो जल रहा है, दैट इज द बल्ब इज लाइटेड। और व्हाइट जो बल्ब है तो इसका अर्थ क्या है, तो व्हाइट बल्ब का अर्थ क्या है, तो बल्ब इज ऑफ, तो बल्ब वो यहाँ पे नहीं जल रहा है, दैट इज अनलाइटेड। तो ये है अनलाइटेड बल्ब और ये है लाइटेड बल्ब। और इसके बाद जो है छठा सिंबल जो है वो यूज होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस जो है इसका सिंबल ऐसे होता है। अब रेजिस्टेंस जो है इसका यूज क्या होता है, टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। हमारे सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अब इस रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मैं ऐसा सिंबल बना देता हूं तो ये बन जाता है
वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है इसके सिंबल दो प्रकार के होते हैं, इसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं, रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, रियोस्टेट का है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या यूज होता है बच्चों, यहां पे आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, इट कैन चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड देयर बाय इट चेंजेस द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस कम कर, रेजिस्टेंस को कम किया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वहां पे बढ़ जाता है। अब और सिंबल है यहां पे वायर क्रॉसिंग और क्रॉसिंग वायर। तो वायर क्रॉसिंग जो है इसको दो तरह से दिखाया जाता है। तो वायर क्रॉसिंग जो है यहां पे मैं यहां से निकलता हूं, वायर क्रॉसिंग का सिंबल जो है वायर क्रॉसिंग, तो इसका सिंबल जो है इस तरह से होता है। तो अब दो क्रॉसिंग होते हैं, अब ये दूसरे में क्या है, दोनों फिगर में क्या अंतर है, तो एक फिगर के नीचे के यहां पे नहीं दी हुई। तो दीज आर द वायर क्रॉसिंग ओवर ईच अदर, दो वायर जो है एक दूसरे से ऊपर से गुजर रही है लेकिन उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन दोनों के बीच में नहीं है, तो इसे कहते हैं वायर क्रॉसिंग। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में जंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंक्शन। अब दो वायर जो है वो क्रॉस भी हो रहा है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी, दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो इसको इस तरह से दर्शाया जाता है, वायर क्रॉसिंग विद कनेक्शन एंड वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। तो वायर क्रॉसिंग विद कनेक्शन इसको कहते हैं जम्पर, इसे जम्पर भी कहते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की भाषा में। और इसके बाद जो सिंबल है वो इंपॉर्टेंट सिंबल जिसके बारे में पहले ही जिक्र हुआ है, तो वो है एमीटर। एमीटर जो है इसका सिंबल ऐसे होता है, एमीटर का सिंबल ये बना दीजिए, एक जगह से पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो एमीटर का यूज क्या है, इट कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, हमारे सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे ये मेजर करता है। और एमीटर जो है सीरीज में अटैच होता है और एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो सिंबल है वो है होल्ट मीटर। तो होल्ट मीटर का सिंबल भी सिंपल है, वी बना दीजिए उसके बाद ग्राउंड, और उसको कनेक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए, एक शोर से पॉजिटिव और दूसरे शोर से निगेटिव। तो होल्ट मीटर का यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन द टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टर। कोई भी डिवाइस है उसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इसको होल्ट मीटर को उसके पैरेलल जो है हमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो आगे समझ में, ये सारे सिंबल्स जो है, इस सिंबल्स को एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके एक्चुअल पिक्चर्स भी है यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका सर्किट के अंदर कैसा इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स के बारे में पढ़े हैं, करेक्ट सर्किट कौन से है, सर्किट को कैसे कनेक्ट करना है, और अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स है उनके सिंबल, उनका यूजेस जो है वो क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो आशा करता हूं आपको ये सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। Therefore, don't forget to subscribe the channel and like the video and keep on watching this Pankaj Science World Free Education channel. Thank you.